ये हमारा का छोटा सा कॉफ़ी शॉप है। वी ऑर्डर 1 कैपेचिनो बिकॉज आई नो गगन वुड नॉट लाइक टू हैव वन, बट उसमें से एक दो सिप पी के देख लेगा क्योंकि तूने पहले कॉफ़ी पी है फ्रेश ब्रूड। गगन कॉफ़ी पी है फ्रेश ब्रूड की? नहीं पी तो वो थोड़ी बिटर होती है तो ही माइट नॉट लाइक इट। और पानी हमने मंगवाया है तो भैया ने यहीं रख दो भैया, इधर इधर लेफ्ट इधर पे, हाँ यहीं रख दो ना, कहीं आपकी मर्जी कहीं रख दो। ढक्कन बंद है यार, सॉरी। हाँ अच्छा, आई हैव टू मेक पेमेंट देयर ओनली। कॉफ़ी पी के आ जाओ, चलेगा? थैंक यू। कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं भाई, कॉफ़ी आ जाए फिर दे देगा तो हम खा लेंगे पी लेंगे। डोनट्स भी है, कोई आ ही नहीं रहा बट अमेजिंग सर्विस। 5,000 या 6,000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। खाना थोड़ा सा प्राइसी है तो खाने के तो हमेशा आप बाहर जा सकते हो। इसमें इंक्लूड रहेगा आपको स्विमिंग पूल, ब्रेकफास्ट और नाइस एम्बियंस। आई नो आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि दिल्ली में तो इससे भी सस्ते में मिल जाता है। यस, दिल्ली में कई बार इससे सस्ते मिल जाता है। दिल्ली दिल्ली है भाई, ये पहाड़ों के आसपास आप आते हैं तो इट्स अ बिट प्राइसी। सो बस ये है, बट वेटिंग फॉर द कॉफ़ी। कॉफ़ी वाले तो अभी तो कोई भी आया नहीं रहे। चले जब तक मैं आपको कुछ केक्स वगैरह दिखाता हूँ क्या क्या ये लोग केक्स देते हैं। वैसे कल भी यही पड़े हुए थे, आज भी यही पड़े हुए हैं। आई थिंक हफ्ते भर पर चलता होगा। They have, I think this is pineapple, this is red velvet, this is chocolate. ये कहीं का झंडा लग रहा है मुझे पता नहीं। ये डोनट्स है, असॉर्टेड डोनट्स, और ये कपकेक्स हो गए। अगेन केक में रहेगा रेड वेलवेट, ब्लूबेरी केक, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच एंड ब्राउनी। हाँ ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी मैंने कल खाई थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक ठीक लगी। यस, कॉफ़ी बनाओगे भैया? अरे यार मेरे पंकज भैया, इनकी वीडियो कभी बन नहीं सकती हैं। आप नाराज़ हो गए क्या कल? मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है किससे? आपसे? अच्छा, अभी ले सकते हो परमिशन आपसे? हैं? अच्छा अच्छा यार, मतलब आप चार्ज करते हो क्या परमिशन लेके? नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बंद करके। सो ये पूरी सर्विसेज जो कॉस्ट लगाया उसका लगाया 350, और ये भैया की ईमानदारी और मेहनत के लिए थैंक यू। तो आपको सारा एड्रेस और वो आपको बता देते हैं। मॉडर्न लुक्स सैलून नियर बिंदल पुल, चक्राता रोड, देहरादून। ये मेन रोड है, मेन रोड से जरा आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये यहाँ पे भैया की सैलून है। ऊपर सप्लीमेंट की दुकान भी है भैया। चलो एनीवे, थैंक यू भैया। चलो so I'm here to get my shape done and some haircut done as well। भैया की शॉप में आए हैं यहीं देहरादून में। कहाँ पे है भैया? सर बिंदाल चौक। बिंदाल चौक, हाँ जी। सो बिंदाल चौक पे क्या नाम बताया भैया आपने? चक्राता रोड बिंदाल चौक। चक्राता रोड बिंदाल चौक। आपका क्या नाम है? फुरकान। फुरकान, हाँ जी। फुरकान भैया के पास बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे। ये तो रेडी हो गया है। हाँ भाई ये अच्छी लग रही है ना, वो ज़्यादा वो हो रही थी, वो ये बेटर लग रही है मेरे को। बस ये यहाँ से कराना है, ठीक है भैया? ये देखो, पहले ये देख लो आप इसका ना, इसको बढ़िया से अच्छी शेप देना है यहाँ पे, और थोड़ी हल्की करना चाहो तो हल्की कर देना। ओके चलो, हल्के रिटर्न। आई थिंक यहाँ पे मशीन ना लगवाने भैया, मशीन से ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। देखते हैं अभी, अगर वैसे यूजुअली मैं तो मशीन ही करवाता हूँ, सूट नहीं करेगा तो मशीन करवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियो बनाने पे ऐसे नाराज़ हो रहे हैं जैसे वही सुपरस्टार हो। चलो ठीक है, किसी से पहले पूछ लेना चाहिए, बट अरे आम है यार वीडियो बनाना। आप जो सर्विस दे रहे हो, अच्छी दे रहे हो, ख़राब दे रहे हो, कम से कम लोगों को पहुँचती तो है ना। सो होटल में था, तो होटल में एक बेचारा वेटर था, उसने कहा आप मेरी वीडियो मत बनाओ। मगर चलो नहीं बनाते होंगे उसके रीजंस। फिर एक दो जगह और उस ढाबा पे गया उन्होंने, बट उन्होंने कह दिया कोई नहीं आप बना लो। उस ढाबे ने भी मना करा था कि नहीं जी। और अभी यहाँ पे मैं शूज़ लेने गया हूँ, मैंने लेने थे कपड़े, लेनी है टी शर्ट लिया, अभी खरीदी मैंने। उसे लगा जस्ट वीडियो बनाएगा चला जाएगा, आई थिंक ये लगा उसको। मैंने कहा यार ओबियसली मैं खरीद ही रहा हूँ, बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी, आई थिंक उसकी प्रॉब्लम ये थी वो जो शूज़ बेच रहा है ना, असली कह के नकली माल बेच रहा है वो। हैं जो पूमा का शू है वो दिख रहा है साफ, वो नकली है। यहीं पे सामने, यहीं पे आगे सामने पूमा का, तो राजपुर रोड पे है। पूमा नहीं, इसने ऐसे नॉर्मल शूज़ रखे उसमें पूमा का लिख के फर्स्ट कॉपी बेच रहा है। हाँ, तो हालांकि मुझे उसका मतलब नहीं था, मेरे को तो क्रॉस कर ही नहीं था, यार इतने में आ गया वो। इसी वजह से वीडियो नहीं बनाओ, आप वीडियो मत बनाओ। हाँ वो वजह यही होगी ना। हाँ वजह वही है। स्कूटी 600 करिए, ठीक है ना। मसूरी के लिए, मसूरी के लिए। हाँ ठीक है। और माइंड नहीं करा अगर मैं आपसे यहाँ का रेंट वेंट पूछूँ आप वैसे? हाँ बताओ क्या रेंट रहेगा यहाँ का, मान लो आपकी शॉप का? जैसे कम से कम 25,000। ये तो आपकी अपनी होगी? हाँ 25,000 कम से कम। ये आपकी अपनी है कि किराया? रेंट पे है। रेंट 25,000। हाँ जी, एक क्लर्क रोड पे है अपनी शॉप। अच्छा अच्छा। और ये घंटाघर के आसपास? घंटाघर की कम से कम 1-1 लाख रुपए चल रहे हैं सर। 1 लाख? हाँ जी। नहीं मेरे जानकार है वो इतना ही बता रहे, 30,000 40,000 घंटाघर के। हाँ उसके आस पास सर, राजपुर रोड पे नहीं तो फिर कुछ और होगा आस पास, कोई और जगह होगी। तो आपने स्टाफ इसलिए नहीं रखा हुआ है? अभी नई नई है दुकानदारी। अच्छा, स्टाफ अच्छा। तो मेरे पास इतना बढ़िया बढ़िया है। अच्छा अच्छा। अभी बस थोड़ा सा 1-2 महीने बाद बुलाऊंगा। एक तो गुजरात में है, मसूरी मैंने देखा है हमेशा फुल होते हैं। हाँ जी, तो मसूरी में 2-3 है ना सैलून की दुकान। हाँ जी, वो हमेशा फुल होती है सर। मुझे अभी तो लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा, नहीं आप काम अच्छा कर रहे हो और आपने डिज़ाइन अच्छा करा है। जो नॉर्मली सैलून के होते हैं ना उससे मच बेटर है डिज़ाइन। पीछे घास लगा रखी है एंड ऑल। ये हेयर कट दिया है भैया ने, बहुत बढ़िया। फुरकान भैया, फुरकान भैया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो शेप की कटिंग दी है, ऊपर से VHC कट ला के दिया है और नीचे से भी। मैं तो बहुत खुश हूँ। और भैया ने अभी ये भी वादा किया है कि जो मेरे कान में दर्द हो रहा है, जो कान ब्लॉक हो रखे हैं, उनको भी ये खोल के भेजेंगे। सो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कभी भी आप देहरादून में आ रहे हैं और आपको हेयर कट कराने की ज़रूरत पड़ रही है, सो टू कम टू दिस प्लेस, इज़ अमेजिंग गाय। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस अगर होता है तो वो बोलता है, तो भैया का एक्सपीरियंस ही बोल रहा है अभी। है? पानी में से पानी निकल रहा है। आया पानी, आया है बॉस। हे भगवान सही कर दे, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस जो मेरे ढक्कन बंद थे वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है खुल रहे हैं, पानी निकले जा रहा है। पानी निकला है ना? हाँ पानी। ये जो छोटे छोटे बाल हैं उनको निकालने की मशीन है ना, ये पहली बार ऐसी कोई मशीन मैं देख रहा हूँ। देखो घर में तो रखते हैं बट भैया ने अपने सैलून में भी रखी हुई है यार। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके ऊपर के बाल होते हैं थ्रेडिंग ना करा के आप इससे कराएं, बेटर रहता है। दिल खुश कर दिया भैया ने सच में। इस फाइनली हम आ गए अपने अंतिम पड़ाव में, थोड़ा सा फेस वॉश और उसके बाद आफ्टर शेव। ये सैलून को और फुरकान भैया को मिलते हैं 5 में से 5 स्टार एक नंबर। आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगा अभी फुरकान भाई के साथ खड़े होके। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। बहुत अच्छा लगा यार, सच बताऊं तो इससे पहले मैं बड़े से बड़े सैलून में भी गया हूँ, छोटे से छोटे में भी गया हूँ, वो जो पटरी पे होते हैं उस वाले पे भी गया हूँ। बट यहाँ जो देहरादून में फुरकान भैया की शॉप है, इसका नाम है मॉडर्न लुक्स। सो एक नंबर। देहरादून में जो एड्रेस आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया है, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच भैया।